तुम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के कदले चौथा गांव में। हम यहां जन की बात करने आए हैं, यहां की जनता से उनके मन की बात करने आए हैं, ये जानने आए हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, ये किन मुद्दों पे अपना कीमती वोट डालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कदले चौथा के ग्रामीणों के साथ जन की बात। ये बताइए कि अभी जब वोट डालने आप जाएंगे जी, तो वो कौन से मुद्दे होंगे जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? हमारे यहाँ का जो मुद्दा होगा वह देश विदेश में तो, और हमारे देश राज्य में बीजेपी का डंका बज रहा है, लेकिन हमारे राज्य झारखंड में बीजेपी का नगन जिस तरह से मुख्यमंत्री का कारनामा देखने को फिलहाल मिला है, कई कर्मियों के साथ, कई नागरिकों के साथ और कई महिलाओं या पुरुषों के साथ जिस तरह मुख्यमंत्री का दुर्व्यवहार देखने को मिला है हमारे झारखंड में, उस तरह बीजेपी सरकार की तो यहाँ नगण्य की। मुख्यमंत्री का डंका जिस तरह बज रहा है कि 81 सीटों पर हमने विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन उनके यहाँ सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही डंका बज रहा है, मुख्यमंत्री के नाम पर कुछ नहीं है, जीरो। अगर देखा जाए विकास के नाम पर तो यहाँ का राशन, अगर लाल कार्ड की बात मुख्यमंत्री जी करते हैं, वह देश का प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ है। रोड की बात करें तो एक जगह जगह भी रोड का नामो निशान नहीं पता चलता है, जिस तरह सिमरिया से बिरहू का रोड देखे NH 100 जो है, ना नागरिकों के आने जाने के लिए पता चलता है, ना मोटरसाइकिल या बड़ी गाड़ियों के लिए, सिर्फ यहाँ कोयला ढोया जा रहा है, लेकिन रोड के नाम पर कुछ नहीं है। उसके अलावा विकास के नाम पर अगर देखा जाए, मुख्यमंत्री जी बोले हर किसानों को 6,000 रुपया दे देंगे, क्या मिल गया? कुछ नहीं मिला। हमारे नागरिकों के साथ, महिला पुरुष के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। पूजा स्थलों पर सिर्फ रासलीला नचाया जाता है, लेकिन वहाँ क्या पूजा की पद्धति और पूजा के हवन को देखा गया है? मुख्यमंत्री जी कभी हवन को देखे हैं? सिर्फ वहाँ रासलीला देखने आते हैं, रासलीला नचवाते हैं। देखिए हाल फिलहाल का मीटर जो देखा गया, छठ पूजा का गाना बजता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी वहाँ रासलीला नचवा करके उसको देख रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री जी का यही छवि होना चाहिए? हमारे राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल के बाद दूसरे नागरिक कहलाते हैं, क्या मुख्यमंत्री जी का यही छवि होनी चाहिए? क्या इसके नाते बीजेपी सरकार जो देश में डंका बज रही है, क्या बीजेपी सरकार को यही नाते हम वोट दें? इस तरह हमारे राज्य में कहीं भी विकास का नामो निशान नहीं है, मुख्यमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर डंका बजा रहे हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री के नाम पर डंका बजा रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो तो कहते हैं कि हर तरफ विकास है, विकास रघुवर दास जी ने जी हर तरफ विकास किया है, उसी के दम पर वो कहते हैं कि हम 65 सीट जीतेंगे। एक भी विकास का नामो निशान नहीं है। उनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे हर जगह, हर गांव-गांव में अगर देखेंगे तो नाखुश हैं। इससे पहले लोकसभा का कई जगह का आपको मुद्दा मिला होगा, जहां सांसद लोग गए और उन्हें दुत्कार करके भगाया गया, बीजेपी के नाम पर वहां से भगाया गया। क्या मुख्यमंत्री जी का यही विकास का था? अगर विकास का रहता तो क्या सांसदों को दुत्कार कर भगाया जाता वहाँ से? ये बताइए कि आपका वोट किसके साथ? हमारे वोट तो लगता है कि नोटा को ही दबा करके, ने शायद प्रधानमंत्री जी इस नोटा का नियम बदल दें कि 50% अगर नोटा वोट आए और जितने विधायक खड़ा हों उन्हें नकार करके हटा दें और दोबारा किन्हीं दूसरे आम नागरिक को दे दिया जाए, तो नोटा की प्राथमिकता कुछ और होती। आप बताइए आपका वोट किन मुद्दों पर पड़ेगा? मेरा वोट जो विकास करेगा उसके तरफ जाएगा, और अभी तक हमारे गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा से जुड़ रही है। लेकिन सरकार, रघुवर सरकार तो कहती है कि हमने
झारखंड का विकास इस तरह से किया है कि देश का कोई भी राज्य में उस तरह का विकास नहीं हुआ। वो लिखता बोलते हैं जमीनी पर काम नहीं किए, नहीं किए हम लोग वो तो हवा में, पूरा पूरे हवा में बात कर रहे हैं। हाँ, गांव में विकास देख सकते हैं आप लोग सर, घूम रहे हैं। गांव की विकास के बारे में तो आप बताएंगे ना कि नहीं, हमारे गांव में विकास नहीं हुई, नहीं हुई। बीजेपी के नाम पर ठका जा रहा बीजेपी के नाम पे ठगा जा रहा हाँ जी हाँ, ये डबल इंजन का सरकार हम लोग साथ धोखा कर रही है। तो इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे, आप लोग के गांव, आपके गांव के लोग जाएंगे, तो क्या डबल इंजन को ध्यान में रख कर डालेंगे या सिंगल इंजन से काम चलेगा? नहीं, रघुवर दास को तो हम लोग हटाने का कोशिश करेंगे, रघुवर दास को हटाने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं, आप बताइए आपका वोट किन मुद्दों से प्रभावित होगा? मुद्दा जो अभी फिलहाल देखा जा रहा है कि अभी मुख्यमंत्री जी का ऐसा अभी रवैया है कि जहां विद्यालय को और खुलवाने के लिए कोशिश करना चाहिए, और विद्यालय यहां विलय कर रहा है, मर्ज कर रहा है, ताकि यहां गरीब, यहां के झारखंड मूलवासी गरीब वर्ग जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वहां से वंचित किया जा रहा है अभी फिलहाल। और ऐसा मुख्यमंत्री जी को तो नहीं करना चाहिए। और लगभग बता रहे हैं कि 13,000 जो स्कूल हैं झारखंड में बंद किए जा चुके हैं, बहुत बड़ी संख्या है, ये बताइए एक साजिश है? जी, ये साजिश है। यहाँ विद्यालय विलय मर्ज कर करके और यहाँ शराब का दुकान खोला जा रहा है, शराब को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ क्या विकास होगा? यहाँ तो शराब से तो स्थिति तो और खराब होते जा रही है। यहाँ तो शिक्षा से जुड़ना चाहिए, तो यहाँ गलत लाइन पर ले जाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी। तो ऐसे में, ऐसी स्थिति में तो हम लोग तो बीजेपी का साथ तो नहीं है, ऐसे तो हम लोग नहीं दे सकते हैं वोट उनको। ये झारखंड का रहते मूल, यहाँ कर मुख्यमंत्री रहते तो यहाँ के बात, यहाँ की जनता की बात सुनते हैं, तो छत्तीसगढ़िया है तो क्या यहाँ झारखंड के बारे में क्या सोच सकते हैं? कुछ नहीं सोच सकते हैं। ये बताइए कि बात करें विकास की, तो आपके गाँव में उन्होंने पिछले 5 सालों में कुछ ऐसा किया है जो यादगार? वैसा कुछ भी नहीं है, ये भी केंद्र का देन है, जो मोदी सरकार का ही देन है, प्रधान, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ही देन है, जो कि ये अपना वाहवाही लूटते हैं केवल, कि उन करनी रहता है वहाँ का, ये सोचते हैं कि हम किए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं किया। आप बताइए, हमारे साथ पारा टीचर हैं, इनसे मेरी पहले बात हो रही थी, बहुत दुखी हैं बेचारे। ये बताइए कि आपका वोट किन मुद्दों पे जाएगा? गरीबी, शिक्षा और बेरोजगारी सर। आप शिक्षक हैं? जी सर। आपके साथ नाइंसाफी हो रही है? जी सर। जी सर। किस तरह से? हक मांगने पर लाठी से पीटा जाता है सर। हक मांगने जब जाते हैं तो लाठी से पीटा जाता है। और सर, बीजेपी का सरकार गरीब को और गरीब रखना चाहती है, जो सच्चाई है सर। बीजेपी की सरकार गरीब को और गरीब रखना चाहती है। बीजेपी मतलब प्रधानमंत्री भी आते हैं, शामिल होते हैं उसमें, मतलब केंद्र और राज्य की सरकार मतलब गरीब विरोधी है? नहीं सर, केंद्र का योजना सब सफल है, राज्य का योजना सर, राज्य का योजना एक भी हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है, और विकास के नाम पर तो सर राज्य का कुछ नहीं हुआ है। नया योजना है ये नहीं है, तो ये सिर्फ मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी के नाम पे अपना वोट लेना चाहते हैं? ठगा जा रहा है सर जनता को, मोदी के नाम पर जनता को ठगा जा रहा है। मोदी जी अच्छे हैं, पर झारखंड की सरकार अच्छी नहीं। तो झारखंड की सरकार को आप दोबारा लाएंगे या नहीं लाना चाहते? नो सर, नहीं। आप बताइए आप क्या करते हैं? जी, मैं भी पारा शिक्षक हूँ, और जिस तरह से झारखंड की सरकार रघुवर दास, हम लोगों ने पूर्ण बहुमत दे करके एक मुफ्त सरकार बनाया, और यहाँ के नौजवानों को उन्होंने बोला था कि हम रोज़गार मुहैया कराएंगे, लेकिन 5 वर्ष हो गया है ना, छटनी करने का काम उन्होंने किया, न कि रोज़गार देने का। 15 नवंबर 2018 को लगभग 280 पारा शिक्षकों को जेल भेजा गया, एवं सैकड़ों पर मामला दर्ज कर FIR किया गया, FIR करके उन्हें होटवार जेल में डाल दिया गया, महिलाओं के साथ भी
दुर्व्यवहार करके उनको भी जेल में डाला गया। और हम लोग जो हैं एक यहाँ के जो माननीय विधायक हैं गणेश गंझू, ये बताइए कि आप लोग की जो समस्या है पारा टीचर की, जी एक बड़ी समस्या है, क्या ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा? जी ये पूरा चुनावी मुद्दा है, है ना। और इन्होंने 5 वर्ष से हम लोगों को ठगते आ रहे थे कि आज देंगे नियमावली, कल देंगे नियमावली, और इन्होंने ऐसा नियमावली निकाला कि उसमें 5% भी पारा शिक्षक नहीं आ पाएंगे उस नियमावली के तहत, ऐसा स्थिति हो गया है। मतलब बहुत रिसर्च करके उन्होंने नियमावली अपनी बात तो रखी, अपनी वादे तो पूरे किए जी, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। नहीं, किसी काम के नहीं। एक वीडियो की परीक्षा, जिस प्रकार से पारा शिक्षकों की परीक्षा लेने की बात हो रही है, वैसा वीडियो का भी परीक्षा नहीं होता है, वैसा नियमावली उन्होंने बनाया है। कहते हैं कि जो पारा शिक्षक के लिए फॉर्म भरेंगे जो वेतनमान के लिए, वह सरकारी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। यह कहाँ का न्यायपूर्ण है? क्या यही न्याय रघुवर सरकार ने नियमावली बनाए हैं? सरकारी शिक्षक क्यों नहीं बन पाए? उनका कहना है कि जो भी पारा शिक्षक इस नियमावली में जाएंगे वह सरकारी शिक्षक से वंचित रहेंगे, ऐसा नियमावली में प्रावधान बनाया। रघुवर सरकार को लौटना चाहिए? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के, किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? सबसे पहले तो मैं रेड नेटवर्क को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे गांव में आए, और जितने भी सांसद विधायक प्रतिनिधि होते हैं इस गांव में आज तक मतलब कभी भ्रमण करने भी नहीं आते हैं। आजकल के नौजवान तो पढ़े लिखे शिक्षित हो रहे हैं धीरे धीरे, तो अपने मन से जो अपने लगे कि बल हम अपना वोट, कीमती वोट किसे दें, वो अपने खुद चयन करेंगे। नहीं, वोट चयन करेंगे ज़रूर, लेकिन हमारा सवाल ये है कि वो कौन सा मुद्दा है जो आपके वोट को प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से वो उस मुद्दे की वजह से आप किसी पार्टी, किसी नेता, किसी व्यक्ति को वोट करेंगे? हमारे विधान सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में अभी तक जो बिजली की समस्या है बहुत ज़्यादा मुश्किल से, अभी तो 2018 में अभी बिजली आई है, उसमें भी मुश्किल से आधा घंटा एक घंटा बिजली रहती है। लेकिन रघुवर सरकार तो दावा करती है कि हमारे राज्य में 24 घंटे बिजली मिलती है, तो अगर एक घंटे आधे घंटे बिजली मिलती है तो ये तो बिहार से भी बदतर स्थिति है। बिहार में गांव में 24 घंटे बिजली रहती है। वो तो है, बहुत बदतर है। यहाँ पर पहली बार हमारे इस गाँव में मतलब 2018 में बिजली आई, जबकि इसके पहले बहुत जगह बहुत पहले पहले आ रखे हैं बिजली, वो भी बिजली आया तो केवल पोल पोल दिखाई देते हैं, कनेक्शन का नाम ही नहीं है। बिजली मुश्किल से आधा घंटा एक घंटा रहते हैं, इसमें तो सरकार का तो कोई विकसित मतलब विकास नहीं दिखाई दे रहा है इसमें बिजली के क्षेत्र में। और जो भी बिजली आया है वो तो प्रधानमंत्री मोदी के जी के, रघुवर दास जी ने कुछ ऐसा काम किया है जिसको याद करके आप वोट कर सकें? नहीं, रघुवर दास के बारे में तो नहीं बोल सकते, उसके बारे में तो कोई अच्छा काम तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये बताइए कि आपका वोट किसके साथ है, वो कौन सा दल है, वो कौन सी पार्टी है, वो कौन सा व्यक्ति है जिसको आप चुनना चाहते हैं या चाहेंगे? वो तो ईवीएम मशीन में जाके मैं ईवीएम मशीन में, ईवीएम मशीन को पहले बताएंगे, उसके बाद जो भी नतीजे आए। ये बताइए कि क्या रघुवर सरकार को सत्ता में वापसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? रघुवर सरकार को तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए आप बताइए, आप जब वोट करने जाएंगे तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ है, 5 साल का जो रघुवर सरकार है, 5 साल में उनका कोई भी विकास दिखा नहीं है, ना उनका कोई नेता मंत्री कोई भी नहीं आया है इधर, तो उनका तो कोई योगदान रहा नहीं है विकास में। इस बार तो वो नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे, लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं पूरा, मतलब जो बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं आपकी, कह रहे हैं हम तो इस बार झारखंड में 65 पार। नहीं, पब्लिक नाखुश है उनसे, कुछ भी बोले पब्लिक नाखुश है, उनका कुछ नहीं होगा इसमें, इस बार कुछ नहीं होगा। मोदी इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, मोदी इफेक्ट केंद्र में पड़ा, और केंद्र का जब था चुनाव, लोकसभा चुनाव था, उसमें उनको पड़ा वोट, लेकिन इस बार यहाँ नहीं, क्षेत्रीय चुनाव है ये,
कई लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार अच्छी होती है, आप तो देख चुके हैं मोदी सरकार दूसरी बार आ चुके हैं, उसके बाद ये 5 लेन का हो गया, तो कुछ भी नहीं असर रहा, जो असर है वो केंद्र का ही असर है। तो रघुवर सरकार हवा हवाई? बिल्कुल हवा हवाई। ये बताइए कि आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे? मन में कुछ होगा ना कि हमारे लिए सरकार ने कुछ किया है, या उसको याद करके वोट करेंगे? क्या मतलब मुद्दा है जिसकी वजह से आप वोट डालेंगे? जो मेरा गांव का विकास करेगा या तो फिर विधानसभा का विकास करेगा उसको वोट डालेंगे। मेरे गांव में बिजली, रोड, चापाकल बहुत सारी समस्या है, जो हम लोग बहुत समस्या का समाधान करना पड़ता है महिला लोग को। हम लोग शिक्षित होकर के भी घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, पर अभी यही महिला समस्या थोड़ा बहुत है जो हम लोग को घर से बाहर चौखट का पार कर रहा है। यही सब सारी समस्या समझ के हम लोग वहाँ वोट डालेंगे। ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी की सरकार है, 5 सालों में महिलाओं को लेकर कुछ ऐसा काम किया है जिसको आप याद करें ना? मुख्यमंत्री की तरफ से तो कोई ऐसा काम नहीं जो हम लोग मुख्यमंत्री को याद करेंगे, लेकिन यही स्वास्थ्य मंत्री ये सब है जो हम लोग के कुछ मतलब बैठ में साथ में बैठ के कुछ बात किया है, उन लोग हम लोग को मौका दिया है कि साथ में हम लोग के साथ में बैठ के बात करें, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक हम लोग के साथ में कभी बैठ के बात करने का कोशिश नहीं की। ये बताइए कि आपका वोट किसके साथ, किसको आप मतलब चुनना चाहती हैं? हम तो इस बार अपना रघुवर सरकार को वोट देकर नहीं चुनेंगे, रघुवर सरकार के अलावा किसी और को चुनेंगे। परिवर्तन चाहिए मतलब? बहुत ज़्यादा परिवर्तन। ये परिवर्तन की ज़रूरत क्यों लग रही है आपको? क्योंकि हम लोग का समस्या का समाधान करना पड़ता है, इसलिए बहुत सारी समस्या हम लोग के साथ है जो उसका समाधान करने में बहुत कष्ट होती है, इसीलिए हम दूसरा सरकार चुनना चाहते हैं। तो सुना है आपने, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की कदली 4th गांव की जनता की मन की बात। यहाँ ज़्यादातर लोग मुख्यमंत्री रघुवर दास के कामकाज से नाराज हैं, यहाँ तक कि लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी हवा हवाई है और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश कर रही है। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, कदले 4th गांव, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र। हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।